चित्रकूट बड़गढ़ में जनता को जागरूक करने के लिए लगाया गया नुक्कड़ नाटक। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के मैनेजर आदर्श द्विवेदी द्वारा योजना के बारे में जानकारी ली। जो सही उत्तर दिए हैं इनको बैंक मैनेजर द्वारा इनाम भी दिया गया। इसके बाद आर्यावर्त बैंक के मैनेजर आदर्श द्विवेदी वहां से मीटिंग का बहाना बनाकर चले आए अपने बैंक। वहां पर रिपोर्टर पहुंचे तो देखा कि नुक्कड़ नाटक में यमराज की कोरोना की बातें चल रही थी, क्योंकि रिपोर्टर के हाथ में चोट हो जाने के कारण गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भी रिपोर्टर रोहिणी कुमार गांव गुइया खुद गए। आर्यावर्त बैंक क्षेत्रीय कार्यालय चित्रकूट द्वारा सीतापुर से कलाकार भेजे गए। इनके नाम आलोक शुक्ला, दीपक मिश्रा, मयंक विशाल शुक्ला कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक किया। तब रिपोर्टर रोहिणी कुमार ने पूछा, आप लोगों को बैंक के बारे में बताएं। उन्होंने क्या बताया आप सुन सकते हैं। जनता को लुभाने के लिए आर्यावर्त बैंक के अधिकारी द्वारा यह नाटक किया जा रहा है। मैनेजर आदर्श द्विवेदी द्वारा एक औरत से पूछा गया पेंशन के बारे में। उस औरत ने गलत उत्तर दिया। इतना बगल में एक औरत ने सही उत्तर दिया, जिसका नाम सुनीता बताया गया। वहां पर आए बच्चों ने रंजीत ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। लेकिन रोहिणी कुमार को एक बात समझ में नहीं आई, बैंक मैनेजर आदर्श द्विवेदी वहां से झूठ बोलकर क्यों आए। आखिर कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, या तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने पुरस्कार सबको देने के लिए कहा और दिए भी। वहां पर मौजूद और भी लोगों से रिपोर्टर बात करना चाहा, लेकिन कोई भी बात नहीं किया। वहां पर मौजूद गांव के नागरिक मौजूद रहे। आर्यावर्त बैंक की तरफ से बैंक मैनेजर आदर्श द्विवेदी, आशीष मिश्रा या दो अन्य मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। इसका नहीं जुड़ा हुआ है। तो समझ में आया आपके? हाँ, क्या समझ में आया बताइए जरा। जीवन बीमा की जिसका कराना हो करा सकते है। बस कोई नहीं देना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, ग्राहक है सब लोग। बताइए आप लोग बैंक के ग्राहक हैं। यहाँ पर कोई नहीं देना चाहते हैं भाई, ओनली वन बैंक मैनेजर महोदय जी ने दिया है सिर्फ। अब देख रहे हैं कि कितना पालन हो रहा है बैंक मैनेजर महोदय द्वारा। नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम कराकर दो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का ने सतर्कता अभियान कराकर इसको जो है साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन लोग कितना पालन करेंगे ये तो देखकर ही बताया जा सकता है। हो सकता है बैंक मैनेजर साहब नाटक कर रहे हो, या हो सकता है कि बैंक मैनेजर बहुत सही कार्य कर रहे हो। ये तो बाद में पता चलेगा कि लोग क्या समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? विशाल शुक्ला। क्या नाम है? विशाल शुक्ला। विशाल शुक्ला जी, कहाँ गए हैं आप? मैं सीतापुर का रहने। सीतापुर के हैं आप। ये नुक्कड़ नाटक कब से करते आ रहे हैं? जी मैं पिछले दो तीन साल से कर रहा हूँ। दो तीन साल से कर रहे हैं। ये आज जो है आपको मैनेजर साहब द्वारा बुलाया गया है कि? जी हमें आर ओ चित्रकूट की तरफ से बुलाया गया, मतलब रीजनल ऑफिस जो है आर्यावर्त बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से बुलाया गया। प्रत्येक शाखाओं पे कैंप होना। इसमें जो है बैंक का के बारे में आपको समझाना चाहिए कि यमराज वगैरह कि मर गए, ये इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है, हम लोगों को मोटिवेट डायरेक्ट में ऐसे समझाते हैं तो लोग रुकना नहीं चाहते, तो हम लोग थोड़ा मिक्सअप इसलिए रखते हैं कि थोड़ा नाटक एवरटाइज करते हैं बीच में। जी एवरटाइज करते हैं बीच में? अरे नहीं सर, इस तरह से होता है कि थोड़ा कॉमेडी टाइप से हो जाता है, तो हंसने के रूप में लोग बैठे रहते हैं और हमारी बातों का प्रभाव भी उन पर सीधा पड़ता है। अच्छा, इससे कोई दिक्कत नहीं होती और हमारी बातों को लोग आसानी से। अच्छा, कितने कलाकार आए हैं? जी चार कलाकार। चार आए हैं जी। चलिए ठीक है। और हम इस पुरस्कार और हम इस कार्यक्रम में सर पहले नाटक दिखाते हैं, सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी देते हैं। केसीसी प्रधानमंत्री सुरक्षा। जब प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर आए तो यहाँ पर यमराज द्वारा पता नहीं क्या बोला जा रहा था, तो वो भाई दे बैंक में, आप बैंक के बारे में उनको समझाएंगे कि ना कि मर गए उठ गए ये? अरे अरे वो तो हमारा वो एडवर्टाइज था। एडवर्टाइज नहीं, वो इसलिए रखा जाता है
जिससे कि हमारे लोगों को आसानी से कुछ आकर्षित हो सके। हाँ, आकर्षित हो सके, क्योंकि हमारे लिए आकर्षण भी जरूरी है, अन्यथा ये लोग हमारे, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि लोगों को एक पास एकत्र करके एक दो घंटे किसी भी जानकारी को देना लोग सुनना नहीं चाहते। जब हमारे साथ में कुछ ऐसा मिक्सअप रहता है, मैजिक शो या नाटक, तभी ये लोग बैठ के आराम से हमारी बातों को सुनते हैं और हमारी बातों पे ध्यान देते हैं। और साथ में फायदों के साथ साथ जब किसी चीज़ का लाभ और हानियां दोनों एक साथ बताई जाती हैं, तभी इन लोगों की समझ में आता है। तो जो हम अपना नाटक रखते हैं उसमें हानियां भी दिखाते हैं और लाभ भी दिखाते हैं, तभी ये लोग हमारी बातों को आसानी से ऑब्जॉर्व करते हैं। क्या नाम बताया आपने? विशाल शुक्ला। विशाल शुक्ला जी, आपसे तो है बात करके अच्छा हुआ, लेकिन जो है और दो कलाकार हैं, दो दिस मकसद से आया जाता है, वो मकसद अगर दिखाया जाता है तो वो अच्छा हमारा। अब आप हमारी बात सुनिएगा एक मिनट। हम अपना मकसद ही यहाँ पे पूरा करने आते हैं, मकसद के तहत ही हम लोगों का एकत्र करते हैं, अपना कार्यक्रम दिखाते हैं। कार्यक्रम दिखाने के बाद में बीच में थोड़ा हंसी मजाक इसलिए रखते हैं ताकि लोग आकर्षित रहें। लास्ट में हम एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी भी करते हैं, जिस वो प्रश्नोत्तरी इसीलिए करते हैं कि लोगों ने जो हमारा नाटक देखा है, जो हमने लोगों को बताया, उसमें लोगों ने कितना सीखा, जब लास्ट में वो निकल के आता है कि लोग फीडबैक कितना मिला, कितना वो लोग हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए हम लास्ट में प्रश्नोत्तरी भी रखते हैं। ठीक है, आप अपना एक सर, ये क्या है आज प्रोग्राम? ये आर्यावर्त बैंक की तरफ से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहता है कि गांव-गांव हम लोग अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में विस्तार से उनको जानकारी दे। चूँकि ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें मनोरंजन का भी रखा जाता है, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं, इसीलिए ये लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बढ़िया एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और लोगों का बताते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण, इसमें नाबार्ड का भी पूरा सहयोग रहता है। नाबार्ड के साथ साथ बैंक और इनकी एक टीम रहती है, जो हम लोग तीनों लोग मिलकर एक ग्रामीण स्तर पर अलग अलग बड़े बड़े लेवल पर कैंप करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य हमें यही है कि जो बैंक की जो दूर दराज योजनाएँ हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं, मुख्यतः हमारा फोकस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, क्रेडिट कार्डों का नवीनीकरण, रिन्यूअल, जमा करना, जैसे संजीवनी योजना चल रही जिसके तहत पुराने लोन भी छोड़े जा रहे हैं, जिसमें माफ़ी भी की जा रही थी, इस तरह की तमाम योजनाएं जो हम लोग गांव-गांव देश तक पहुंचाते हैं, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये कार्यक्रम हमारे यहाँ बरगढ़ में है, हमारी बैंक की तरफ से 3 गाँव में आयोजित किया जाने वाला है। सर ये बताइए, क्या आप जो है यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं, आपको मालूम होना चाहिए, क्या कोविड ही पूरा खत्म हो चुका है क्या? नहीं, आप देख सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए कोविड नहीं खत्म हुआ है, बच्चों को इसलिए यहाँ बैठा दिया गया है और बकायदा इन्होंने एक बार सैनिटाइजर वो सब की जानकारी भी दी है, की है। इसके अलावा कार्यक्रम के लिए वो लाए भी हैं ये लोग, अभी इनाम भी इसमें प्रश्न पूछेंगे वो भी देंगे, और कुर्सियाँ भी लगवाई गई हैं, ये जनता का है, और ज़्यादा भीड़ भाड़ का भी आयोजन नहीं किया गया है, 25-50 व्यक्तियों के लिए बस सुविधा का आयोजन किया बस। तो सर एक बात और लास्ट बता दीजिए कि इस नुक्कड़ जो है कार्यक्रम जो आप करवा रहे हैं, इसमें ग्रामीण वासियों को क्या लाभ है? ग्रामीण वासियों को इसमें ये लाभ है कि दरअसल बहुत से ग्रामीण वासियों का आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है, जिसके कारण उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, वो ग्राहक सेवा केंद्रों से पैसा नहीं निकाल पाते हैं। अभी हमने हमारे व्यक्ति ने बताया कि आधार आप लोग जरूर जुड़वाइए, क्योंकि बैंकों में लोग आधार की महत्व को भी नहीं समझ पा रहे हैं, अगर वो आधार जुड़वाएंगे और आधार मोबाइल नंबर जुड़ा रहेगा तो समस्त जानकारी बैंक उनसे कुछ नहीं छुपा सकती, सारी जानकारी उनके मोबाइल पे पहुंच जाएगी और सारी जानकारी उनको मिलती चली जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश दुबे है। क्या नाम है? रमेश दुबे। रमेश दुबे जी, ये बताएं कि जो है आपने अभी तक देखा है, क्या समझ में आया आपके? ये समझ में आया कि ये सबके लिए हितकारी है, सबके लिए बीमा के लिए, छोट बड़ा बच्चन के लिए। अभी जब रिपोर्टर आए हैं, या थे हमराज का प्रोग्राम चल रहा था, हमराज का प्रोग्राम ये है कि अगर नहीं बीमा कर रहे 12 रुपए वाला जीवन बीमा है, नहीं ये तो अटल पेंशन है, ये तो देखिए बैंक में बुढ़ापा आएगा, इसलिए वो पानी मांग रहे हैं, ये गिर पड़ गए तो उनको पेंशन जो नहीं मिला उनको बीमा मिले, इसलिए उनको वो दिखाया जा रहा है। अच्छा, अच्छा, इस तरह से दिखा रहे हैं गान तान से, गाजा गाजा से, अब बता भी रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। चलिए थोड़ा सीन भी दिखाना पड़ता है, आप सभी को बताना चाहिए, जैसे पूछते हैं ना, ये कोई वो थोड़ी है कि आप डरते हैं, आप बताया करिए। क्या नाम बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? कौन से गाँव है ये? सामने और क्या गुइया है, बताने में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
आठ बजे गोइया है, कोई आदमी नहीं, उनको तो नहीं लगता गोइया है। चलिए ठीक है, ये बताइए आपने क्या सीखा इसमें? वो एक आदमी वो है ट्रेनिंग में है वहाँ पे, और आदमी आज छुट्टी पे है, एक आदमी छुट्टी पे है, एक आदमी को। तो अभी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी अभी बताइए हम आपसे पूछने जा रहे हैं। बोलिए क्या सीखा? पूछना है किसी को, कुछ पूछना है? ठीक है, हम आपसे पूछने जा रहे हैं। आप लोग इधर से अपना हाथ ऊपर करेंगे, जिस किसी को पता हो। देखिए यहाँ पर कोई भी ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, फिर भी जो है प्रयाग की टीम आई यहाँ पर, जो भी डेबिट कार्ड वगैरह का जो भी बैंक प्रबंधक द्वारा आदर्श द्विवेदी द्वारा बताया गया वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन यहाँ पर नुक्कड़ नाटक कराए कर ही बताया जा रहा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट। Thank you.